मैं ये बात बहुत फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि मुझे नवकेतन ने इंट्रोड्यूस किया। जब इश्क इश्क के टाइटल्स आते हैं, यू कैन सी इंट्रोड्यूसिंग ज़रीना वहाब। मुझे पता चला देव साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें जीनत जी हीरोइन हैं, उनकी 5-6 बहनें हैं, तो वाई डोंट यू गो एंड मीट। तो आई मेट देव साहब इन महबूब स्टूडियो, ही वॉज़ वेरी कैजुअल, ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड वी आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर। उसके बाद एक सेकंड में हाउ कैन ही यू नो से, मुझे लगा कि शायद उन्होंने ऐसे मजाक किया। फिर उसके बाद मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया, आई वेंट एंड मेट हिम। मैंने कहा देव साहब ये मेरी फोटोग्राफ्स हैं। नो आई डोंट हैव टू सी, यू गॉट अ फोटोजेनिक फेस, ही सेड। उसके बाद देखा नहीं उन्होंने। और एक वीक के बाद देन वी वेंट टू काठमांडू। काठमांडू में हमने पूरी फिल्म की शूट की, तो 5-6 बहनों में मैं एक बहन थी। बट इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, दो माई रोल वॉज नॉट वेरी बिग बट इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात यह थी कि देव साहब के अंडर में काम करने का मौका मिला, उसके लिए मैं देव साहब के सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ। एज अ डायरेक्टर ही इज़ फैंटास्टिक, इतनी अच्छी तरह से आर्टिस्ट को समझाते हैं, कभी कभी खुद भी कर दिखाते हैं कि यू डू इट लाइक दिस, और आपको इतना कंफर्टेबल करते हैं कि आप यू डोंट फील अनकंफर्टेबल, यू आर वर्किंग विद सच अ बिग डायरेक्टर एंड बिग एक्टर। एंड ही वाज वेरी नाइस टू अस एंड ही ट्रीटेड अस वेरी वेल। एज एन एक्टर तो मैं उनकी, पहले जब मैं स्कूल में थी, आई यूज टू वॉच हिज मूवीज़, वहीदा जी और देव साहब की काफ़ी फिल्में, तो फैन तो थी ही मैं उनकी। एंड ही वॉज रियली गुड इन हिज मूवीज़ लाइक गाइड, बहुत सारी उनकी जितनी भी फिल्में हैं। उनकी स्टाइल वो कैरी ऑन नहीं करते, वो उनकी स्टाइल है, तो वो उस स्टाइल अभी तक बनी है और बनी रहेगी जब तक वो काम करते रहेंगे। जब मैं पहले मिली थी, मैं मुझे यकीन ही नहीं हुआ मैं देव साहब खुद, आई वाज ब्लैंक व्हेन आई वाज लुकिंग एट हिम। उनकी सारी फिल्में जितनी भी थी बहुत रोमांटिक फिल्में ही उन्होंने की, और ही यूज़ लुक वेरी कंफर्टेबल, एंड कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि वो एक्ट कर रहे हैं, हमेशा लगता था कि ही वॉज वेरी नेचुरल एंड ही वॉज वेरी गुड। I don't know, because he was very polite, especially towards women, and he was very gentle, and the way he talks and very the way he treat you, you feel you're very important, you know. वो बात देव साहब में है, आपको बहुत important feel करवाते हैं, चाहे आप एक scene का छोटा सा role क्यों ना करें। आज के ज़माने के हिसाब से क्योंकि हर साल एवरी ईयर इट्स चेंजिंग सो फास्ट, जो हमने लास्ट महीना देखा था इस महीने में वो फैशन नहीं है। सो अभी एक इंसान का एक स्टाइल होता है, जैसे मैं काम कर रही हूँ अभी 27-28 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो मेरा वही स्टाइल है, आई कांट चेंज माई स्टाइल, यू नो। सो वैसे ही स्टाइल होते हैं, अभी एज अ फिल्म मेकर उनको ज़्यादा बेहतर मालूम है इस बारे में। वो दिल से बहुत यंग है, सो दैट्स व्हाई ही ट्राइज टू मेक ऑल यंग काइंड ऑफ मूवीज। सो सबको अपने अपनी ऑडियंस है। ही इज़ वर्कहोलिक, मुझे ऐसा लगता है कि ही वॉन्ट्स टू वर्क, ही डजन्ट वॉन्ट टू सिट, यू नो। सो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आज भी मैंने काम करने के बाद भी लोग बोलते हैं व्हाई यू आर वर्किंग, आई सेड आई कांट सिट एट होम, आई वॉन्ट टू वर्क, यू नो।
इट्स लाइक एक बात कॉमन है देव साहब में और मुझ में कि आई कांट सिट एट होम, आई हैव टू वर्क, अदरवाइज आई गो मैड. इट्स लाइक दैट. मे बी देव साहब इज ऑल्सो लाइक दैट.